चाचा दोस्तों भाई सौदा हुआ है। बारिश के बाद जरा रेट वगैरह लेते हैं कि क्या आ रही है। अल्लाह रहम नहीं फरमाए, अंदर एक भैंस ही पड़ी हुई है, देख रहे हो आप। इसकी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रक में जो माल आया ना, ये ज़्यादा ही ख़राब हो गया, पता नहीं क्या मामला पेश आए हैं। देखते हैं भाई अभी कितने में देना है। सॉरी 3.35 लगे था, फिर नहीं दिया था। और अभी कितने में दे रहे हैं? अभी 2.80 का बोल रहे थे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे की मंडी में शामिल दोस्तों, बारिश के बाद मरीन मंडी का क्या हाल है आपको दिखाता हूँ आज। और दोस्तों ये सीन है कि सौदा भी करने की नियत से आता हूँ मैं हमेशा, मैं कभी भी मंडी ऐसे नहीं आता। तो अगर कुछ वारे की चीज़ मिली तो इंशाल्लाह देखेंगे माल कितना आया हुआ है, क्या रेट से, इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। कुछ सौदा भी हुआ है भाई होगा वो भी दिखाएंगे। सब्सक्राइब करें चैनल, वीडियो को लाइक करिए, कंटिन्यू करें। बारिश के बाद जरा रेट वगैरह लेते हैं कि क्या हुए हैं भाई मरीन मंडी के ना, इंशाल्लाह ताला मंडी के रेट आफ्टर रेन। बड़ी याद आ रही है भाई, वाइब्स आ रही हैं। जरा ये बच्चा अच्छा खड़ा हुआ, इसके पूछते हैं क्या मांग रहे भाई। हैं हैं कितना बोल रहा है ये? 1.45 बोल रहा। अच्छा देना कहाँ था क्या भाई? 1.45 बोला है भाई ने। भाई हैं भाई शेठ, बात तो कर लो, देना कहाँ था क्या? देना 31 का। 31 का देना है दांतों में? पक्का खीरा हो गया। अच्छा सही हो गया। तो आखिरी आखिरी बोल दो यार कुछ, ये आखिरी है। 80 में नहीं बनेगा भाई? हैं 80 में? 80 में क्या बकरे लेने आ रहे हैं? बकरे कहाँ से यार, रेट लगा रहे हो तुम 80। पक्का खीरा बच्चा है, बकरे ले। आखिरी बोलो दाम इसके, बकरे लो पहले। अबे इसके आखिरी बोल दो, आपको बताया कितना? 31। चलो भाई 31 ही आखिरी है। चाचा दोस्तों भाई सौदा हुआ है यहाँ पर जरा ना, भाई तो सामने नहीं आएंगे लेकिन इन बछड़ों का मेरे ख्याल में सौदा हुआ है। अभी जरा व्यापारी से पता करते हैं कि कितने में हुआ है क्या हुआ है, क्योंकि ये इन्होंने किसी ने अपने बेचने के लिए ख़रीदा हुआ तो वो अपनी परचेजिंग तो नहीं बताएगा, लेकिन ये है कि व्यापारी ने कहा मैं ज़रा बताता हूँ तुम्हें ना, और व्यापारी के रेटों पर दिखाना पड़ेगा। माशाल्लाह भाई सौदा हुआ है भाई, एक हुआ है। अच्छा एक बछड़े का, वो वाले बछड़े का हुआ है भाई। 158 का ख़रीदा है ये, 158 का भाई, ये 158 का खरीदा। अच्छा ये जा कहाँ रहा है? गड्डाप माजिद कैंप। और ये वाला भी खरीद लिया है, ये कितने में? 31। 31 और 158 भाई। तो आज आपको सौदे दिखा रहा हूँ, मंडी का ज़रा हाल भी दिखाएंगे भाई कि भाई क्या मामलाते हैं आज के ना भाई। तो माशाल्लाह यार ये पीछे अच्छा बच्चा खड़ा हुआ यार। तो 158 और 130 भाई, कैसा लगा सौदा मरीन मंडी में आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या मांग रहे हैं भाई? 3.5 लाख रुपए। जी जी, ईद के बाद भी ये रेट है? ईद के बाद हाँ। क्या होता, ईद नहीं आनी? क्या आनी है तो अभी से थोड़ी आ गई यार, अभी ईद शुरू में भेजा। दांतों में क्या है? दांतों में एक कच्चा खीरा। कच्चा खीरा है। देना कहाँ तक ये बताओ? देना तो यहीं पे जा मांगेंगे लोग। कहाँ पे मुझे बताओ ना, मैं मांग रहा हूँ ना। 3 का लग रहा बिक जाए। 3 का कहाँ से बिकेगा यार, ये यहीं से बिकेगा। 1.85 में आ रहा है समझ? ईद के बाद। ईद के बाद? कौन सी ईद के बाद? जो आएगा ना। सही जा रहे हो, शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। बाकी भाई ये बछड़ा भी अच्छा है यार माशाल्लाह से। क्या पैसे हैं भाई? अभी तक 1.90 बोल रहे। 1.90 बोल रहे हो, बोलने के तो कुछ भी हो जाएंगे। देने कहाँ तक है? 1.60 तक देना है। फाइनल? फाइनल भी लगा दिया तुमने? ये नहीं नहीं कच्चा होगा अभी, खोलो। 25 में भी जा सकता है ये तो, चीज़ तो अच्छी है भाई। देना कहाँ था कि ये बताओ? आपको बोल दिया। क्या बोल दिया मुझे? खूबसूरती है। कितने बोल दिए? 60 में दोगे? नहीं फिर जा कर रहे हो, बात तो कर लो। तुम्हारे सलाम अलैकुम, पहचाना? आप खरीद रहे हो या? खरीद रहा हूँ अभी। हाँ? खरीद रहा हूँ। वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो वीडियो बनाते बनाते ही खरीदता हूँ ताकि सौदा बाद में बंदा मुकरे नहीं। 1.70 कर देंगे। 1.60 तो ये बोल रहे। 1.90 बोल रहे हैं। 1.60 बोले इसने मुझे। फाइनल से भाई, इसीलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि देखो लोग इधर उधर ना हो जाए। 10 रुपए कम नहीं है। 10 रुपए भी कम नहीं है। मैंने लगाए 80 लगाए भाई को। 80 लगा के 50 लगा। चलो इससे कम नहीं है, इससे कम नहीं है। सही है, चलो आगे देखते हैं जरा। सो दोस्तों इसके भाई 85,000 रुपये मांग रहे हैं और इसके 2.5 लाख रुपए प्रिंट के पैसे। इसके यार इतने ज़्यादा क्यों मांगे आपने? चीज़ अच्छी है ना? चीज़ अच्छी तो वो भी अच्छी है, बुरी तो नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी ये वाली बछड़ी आपने बेच दी? इसके नहीं आया था मैं, बेसिकली है भाई इनके पास। ये बता रहे हैं 4.5 की बेची है भाई, है तो बहुत खूबसूरत लेकिन इतने की तो नहीं लग रही यार।
मैंने जब दूर से देखा तो मैंने कहा यार अच्छी चीज़ है, देखते हैं। अच्छा ये सामने वाली ये कितने मांग रहे हैं भाई? हाँ 13 लाख रुपए। इसके नहीं सामने वो गाय है, बच्चा कहाँ है उसका? अच्छा बच्चा अलग बेच रहे हो आप, ये बच्चा? अच्छा इसका बच्चा गुलाबी में नहीं आया? तो भाई हाल बेहाल है भाई, बारिश के बाद तो रेट कम बता दो कुछ हैं। हाँ, क्या मांग रहे हैं इसके? 3 बीस। 3 बीस जोड़ेगा और देना कहाँ तक है? हाँ 180 जोड़ा। 90 90। और अगर कुछ लगाया बंदा कुछ लग रहा है आज? हाँ। कितना? 90,000 रुपये एक बच्चा कह रहा है यार ये तो। कितना कह रहा हूँ? 90,000 एक बच्चा बोला है ना? तुमने अभी क्या बोला है? तू लेने वाला तो बात कर। एक सेकेंड, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। अभी मैंने पूछा 180 जोड़ा। हाँ इसने कहा 180 जोड़ा। ये देखो वीडियो सुनाता हूँ तुम मेरे को। क्या बोले लड़के? क्या बोले इसने? 180 जोड़ा बोला है ना इसने, तो ये क्यों गलत बयानी कर रहे हैं फिर? अरे बातें लेने तो नहीं है। मैं ले ले दूं इंटरव्यू? लो ले रहा हूँ ना मैं। ले रहा है 180 का एक ले जा। 180 का एक ले जा। वाह भाई, जब दो बोले तो दोनों दो ना 180 में। भाई ये बात यूट्यूबर फिर नहीं पकड़ते होंगे इन चीज़ों को, मैं बड़ा पकड़ता हूँ भाई। मेरे साथ ना सीधी बात होनी चाहिए ताकि मेरा व्यूवर जो देख रहा है उसको सही रेट पता चले। क्या मांग रहे हैं? लंपी रिकवर्ड बच्चे के छह कलर में पूछ के तुम आओ ऐसे ज़रा भाई, ताकि सीधे रेट आए। कीचड़ में पाँव जा रहे हैं भाई आज तो भाई। क्या पैसे हैं भाई? ऐसा ज़रा बात कर रहा है वही बताएगा। बच्चा तो अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन रिकवर्ड बच्चा है, लेकिन ये है कि सही है इतने दाने बचे नहीं। हाँ 180 कुछ लगाए तुमने? कुछ भी नहीं लगाए, ख्याल करके बताया ये। और इसके क्या मांग रहे हैं साथ वाले? ये 2 लाख रुपये। ये साफ बच्चा है तो इसके 2 लाख रुपये मांग लिए भाई ने, देख रहे हो भाई। अंकल क्या मांग रहे हैं इसके? 3.5। और साथ वाले के? इसके 2.5। अच्छा माशाल्लाह भाई, ये देखिए भाई बछड़े को। अंकल ये वाला बछड़ा कहाँ देना है? कैसे हैं आप, ठीक हैं? ये वाला? हाँ। कितने का? 3.25 का। दांतों में भी खीरा है? खीरा बच्चा है। और 3.25 अंकल कह रहे हैं अभी, सही हो गया भाई। ये रेट है भाई मलीर के आज ना। तो ईद का बचा हुआ बछड़ा है भाई ये ना, 4 दांत में भी है भाई। बड़े अफसोस के साथ कहने लगे ये भाई, कुर्बानी से पहले मैंने लिया था भाई ये ना 3 लाख रुपए। भाई कितने में लिया था? 3 लाख। और अब फिर कुर्बानी पे नहीं बेका? कितने लग रहे थे कुर्बानी पे रेट? कुर्बानी पे 2.35 लगे थे। 2.35 अभी कितने में देना है? सॉरी 3.35। 3.35 लगे थे फिर नहीं दिया था, और अभी कितने में दे रहे हैं? अभी दे रहे 2.85। 2.85 का बोल रहे थे ना आप? अरे है, मतलब ये पहले फ़ायदा मिल रहा था तो क्यों नहीं आसरा क्यों किया था ना? नसीब की बात है। यही मलीर में थे? इतना तो खा चुका था ना उस वक्त। यही मलीर में थे? नहीं, शाह फैसल में बेच रहे थे भाई ना। तो अल्लाह आपका बिकवाया। आज कुछ रेट लगा इसका? लग रहा कितने? 40-45 का। 2.40-2.45 सही हो गया भाई ये लग रहा है अब रेट ना। तो निकालें अभी, पता चला फिर थोड़ा और ना खा जाए ना, तो ये बात है। हो भी 4 दांत गए ना असल में, ये बात है भाई। यहाँ पे जो है ना भाई ये सफ़र ये बात पता नहीं इसको बेचारी को क्या हो गया। अभी कसाई वसाई आई थिंक बुलाया हुआ, थोड़ा देखेंगे फिर जो है भाई। ये होता रहता है भाई पंजाब से जब माल आता है ना भाई। अभी छोड़ दिया भाई इसको रिलैक्स होने के लिए ना यहीं पे। बाकी हाल बहुत बुरा है यार इधर का ना, आड़तों का हाल तो और ज़्यादा गंदा हुआ है। ये देखें इसको भाई, भाई टांग वांग में सुन हो गई होगी, क्या हुआ पता नहीं। अच्छा भाई ये भी भाई जो भी मैं उसका बता रहा था आपको सीन, इसका भी वही हुआ। वही उतरने के बाद वाला जो होता है ना मामला, बहुत ख़राब है यार ये। अल्लाह रहम नहीं फरमाए। अंदर एक भैंस ही पड़ी हुई है, देख रहे हो आप। इसकी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रक में जो माल आया ना ये ज़्यादा ही ख़राब हो गया, पता नहीं क्या मामला पेश आए हैं। देखते हैं भाई। बाकी भाई कुछ बकरे भी थे बैठे हुए, रेट वगैरह तो इधर नहीं दे रहा मैं, फ़ायदा नहीं है। बेचारा वैसे ही परेशान होगा भी व्यापारी, तो उसको तंग नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ भाई, ये चीज़ें होती रहती हैं भाई मंडी में ना। अल्लाह आसानी करें इनके मामलात में भाई, बस यही दुआ है इनसे, इनके लिए भी सबके लिए भी। मंडी के बाद भी भाई ये मामला चल रहे हैं भाई, इनका माल जिनका नहीं बिका वो आड़तों पे वापसी ला रहे हैं भाई। देखें आप, ये बच्चा अच्छा है लेकिन इसके यार इन्होंने 6.5 लाख रुपये मुझसे मांगे हैं। और छोटा सा बछड़ा है, बहुत ऊपर खड़ा हुआ है, इसलिए आपको लग रहा होगा बड़ा। आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये बछड़ा है भाई।
बहुत रेट है यार। 850 पे माल तो अच्छा खड़ा हुआ, लेकिन वही बात है कि रेट इतने ना कि मैं बता भी नहीं सकता आपको, इसलिए बस छह देते हैं। वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद आपको पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।